भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी 70% से अधिक की आबादी कृषि क्षेत्र पर ही सीधे तौर पर निर्भर करती है। आबादी दिन प्रतिदिन इस देश की बढ़ती जा रही है और जो खेती के लायक उपलब्ध ज़मीन है उसमें काफ़ी कमी आती जा रही है। तो यहाँ यह आज बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि जितनी भी नई तकनीकें हैं, जितनी भी नई विधियों को हम लोग प्रयोगशाला में अपनाते हैं, उन सभी को आज के दिन में सरजमी पर उतारा जाए। आज अगर बहुत पुरानी पद्धति से खेती करते हैं तो शायद उतनी उत्पादन हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे जितने कि इस देश की आबादी के लिए आवश्यक होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारे के सारे नए तकनीकों को आज अपने किसान भाइयों के सामने उपस्थापित करें। इन सभी तकनीकों में एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक जो आज के दौर में उभर कर आई है वह है स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन, टपक सिंचाई परियोजना। ड्रिप इरीगेशन लगाने से किसानों को 50 से 60% पानी की बचत हो जाती है, समय की बचत हो जाती है, फर्टिगेशन में सुविधा होती है, मल्चिंग करने से कोई अनवांटेड प्लांट नहीं आता है, वीडिंग की समस्या नहीं रहती है, तो उत्पादन लागत में कमी आती है। और मुनाफे की बात करें तो जो जो किसान ड्रिप से खेती करें उनके आमदनी में दुगुने का फर्क पड़ जाता है। सामान्य विधि से की बनस्पत इसको दुगुने का लाभ होता है। झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर की सारी ज्योग्राफी प्लेटो आधारित है, पूरा का पूरा इलाका पठार है, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर की काफ़ी समस्या है। जितनी भी बारिश हमें 4 महीनों में प्राप्त होते हैं वह सभी ड्रेन डाउन हो जाते हैं और अंडरग्राउंड रिचार्ज बहुत ही कम हो पाता है। जोहार, मेरा नाम सुजीत कुमार महतो है और मैं अनगढ़ा प्रखंड से हूँ, लुपुंग पंचायत से हूँ। मैं अभी तरबूज और खीरा और करेला की खेती कर रहा हूँ, 3 एकड़ में लगाए हैं खेती। नीति आयोग के द्वारा जो चलाया गया था जीका परियोजना, उसके तहत हमको ड्रिप सिंचाई का व्यवस्था मिला और मैं अभी खेती कर रहा हूँ। सबको जोहार, मेरा नाम प्रिया श्रुति है। मैं रांची जिला प्रशासन के अंतर्गत आकांक्षी जिला के कार्यक्रम में जिला को सपोर्ट करती हूँ। 2019 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत रांची जिला ने ऑल ओवर इंडिया में ओवरऑल सेकेंड रैंक स्कोर किया, जिसके तहत रांची को 5 करोड़ रुपए दिए गए। और 5 करोड़ में ये था कि हमें कुछ प्रोजेक्ट प्रपोजल को अप्रूव कराना था नीति आयोग से। नीति आयोग के प्रपोजल के तहत हमने PMKSY के अंडर प्रपोजल प्रिपेयर किया और उसमें हमने 182 हेक्टेयर्स में प्रपोजल तैयार करके नीति आयोग को भेजा। प्रपोजल के अप्रूव करने के बाद जब यह कार्य धरातल में आया तो इसका यह निष्कर्ष निकला कि ऐसे किसान जो कि PMKSY के अंदर टैप नहीं थे, वैसे किसानों को हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर इनरोल किया। उसी क्रम में इस जिले को 5 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। उस 5 करोड़ में से जिला प्रशासन उपायुक्त रांची महोदय के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को 182 हेक्टेयर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पैटर्न पर ड्रिप इरीगेशन लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके तहत रांची जिले के काके और माझी, अनगढ़ा, सिल्ली, नगरी, एटकी, ब्यूरो एवं चानो 8 प्रखंडों का चयन कर लगभग 450 किसानों के खेत में ड्रिप इरीगेशन लगाना था। उसी कड़ी में आज हम लोग मौजूद हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में हमारे जो भी इंडिकेटर्स हैं उसके अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नीति आयोग भारत सरकार ने इसी कड़ी में जीका फंड प्रोवाइड कराया है, जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम लोग 182 हेक्टेयर की में ड्रिप की व्यवस्था किए हुए हैं और इसमें 450 किसान हमारे जुड़े हुए हैं। जोहार, मेरा नाम कमलेश चौधरी है और मैं लुपुंग पंचायत के लुपुंग गाँव का निवासी हूं और मैं 2.5 एकड़ में खेती कर रहा हूं। देहाती मॉडल में हम लोग खेती करते थे, उस समय पानी का बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा था और ड्रिप के माध्यम से लगाए हैं तो पानी कम यूज हो रहा है और इसमें पहले खरपतवार बहुत ही ज़्यादा उगता था उसके साइड साइड चारों ओर। अब इसमें लगाने के बाद, मल्चिंग लगाने के बाद इसमें खरपतवार उगना बंद हो गया है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी खेत में बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल होता है, बहुत ही आसान तरीके से और सुलभ तरीके से जो भी फसल है उनको पानी पहुंच जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्स ऑफ इरिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से मोटर लगाना जो बहुत ही कम बिजली खपत ले, उसके आधार पर ही सिंचाई हो जाती है। क्योंकि इसमें लागत काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए
योजना को किसानों की यहाँ की हालत को देख कर यहाँ के किसान जो है ज़्यादातर किसान लघु सीमांत हैं और इनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस योजना को 90% अनुदान पर चलाया जा रहा है। उससे काफ़ी लाभ मिलता है, मेहनत थोड़ा कम लगता है और ज़्यादा जगह में हम खेती कर सकते हैं कम मेहनत में। शुरुआत में वन टाइम खर्चा लगता है लेकिन बाद में सिर्फ मुनाफा होता है। अब मल्चिंग लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि जो खरपतवार होता है वो बहुत कम होता है। पहले खरपतवार आता था, फिर से कोड़ी से सबको हटाना पड़ता था या हाथ से जाके हटाना पड़ता था, तो उसमें मजदूरी ज़्यादा लगता था, मेहनत ज़्यादा लगता था। खेती के वक्त जो उनको कॉस्ट डबलिंग होता था वो कॉस्ट कटिंग हुआ, उनका प्रोडक्शन डबल हुआ, एनर्जी एफिशिएंट खेती हुई जो कि हम कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप। दूसरा पौधा आने से जो दवाई चलाते हैं वो दूसरे पौधे पे चला जाता है और ये ड्रिप इरीगेशन से हमारा यह फ़ायदा हुआ कि पौधा पे डायरेक्ट हमारा जो भी रासायनिक खाद चला रहे हैं वो डायरेक्ट पौधे पे जा रहा है। और जैसे हम लोग अभी ड्रिप सिस्टम लगा रहे हैं तो वहाँ 50 डिसमिल या 70 डिसमिल हुआ, वहाँ पे लगभग हम लोग का 5 क्विंटल मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन में खीरा निकल रहा था। इस टपक सिंचाई विधि में किसी भी खेत में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंपल पाइप्स के माध्यम से बिल्कुल ड्रॉप टू ड्रॉप पॉइंट बाय पॉइंट लोकेशंस पर पानी की सप्लाई सुनिश्चित करा दी जाती है। लेकिन टपकन विधि के लगाने से हमारा जो है सो फसल बहुत अच्छा निकला है और बहुत अच्छा खेती हो रहा है। अभी हम 2.5 एकड़ में तरबूज का खेती लगाए हैं। यह खेती से हम बहुत खुश हैं। पहले जो खेती होता था उसमें मेहनत ज़्यादा था, पानी का खपत ज़्यादा था। अभी इस ड्रिप इरीगेशन लगा के इसमें फसल दुगुना हो गया है और इसमें पानी का खपत कम हो रहा है। तो ये एक ड्रिप ही एक ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से आप अपनी आय को दुगुना कर सकते हैं, तिगुना कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य भी संवार सकते हैं। पर अब घर में स्विच दबाते हैं और पूरा खेती का इरीगेशन हो जाता है। जो भारत सरकार का अनुदान है ये जो रेशियो 60-40 के रेशियो में चलता है, परंतु राज्य सरकार टॉपअप देकर 35% सब्सिडी देकर 90% सब्सिडी पे पीएम केसवाई को भी चला रही है जो वर्तमान में आरकेवाई पीडीएमसी के नाम से चल रही है। उसी तर्ज पर ये योजना जीका के द्वारा है ना नीति आयोग को पैसे दिए गए थे, उसी पैसे के माध्यम से ये योजना इस जिले में ली गई है और इसके अच्छे प्रभाव दिखाई दे रहे हैं और किसानों में भी काफ़ी उत्साह है। जीका परियोजना से हम सरकार के द्वारा से हम ड्रिप सिस्टम लगाए हैं तो हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी लगा और भी किसान देख रहा है तो बोल रहा है कि अच्छा लगा। जीका परियोजना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका फलाफल यही रहा है कि आज 2500 हेक्टेयर से बढ़कर तकरीबन 8000 हेक्टेयर में रांची ज़िले में ड्रिप इरीगेशन से खेती हो रही है। इससे न सिर्फ पानी की बचत हुई है बल्कि जितने भी किसान भाई हैं उनके यहाँ उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, उनका आय संवर्धन हुआ है और इसके साथ साथ उनकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति में भी काफ़ी बदलाव आया है। किसान वही से आग्रह है कि जो टपक विधि से जो खेती की जा रही है इसका उपयोग आप भी करें। हमारा पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में ड्रिप इरीगेशन काफ़ी एक दूर की कड़ी बनकर उभर कर सामने आएगी। कई एक किसान इसको धीरे धीरे अपने खेतों में लगातार अपनाते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब हर जिले के हर गांव में बहुत सारे किसान इस पद्धति के अनुसार अपने यहाँ सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे के सारे तकनीक जिस दिन पूरे सैचुरेशन मेथड में हमारे ज़िले में आ जाएंगे हमारे राज्य और हर एक किसान की उत्पादन क्षमता में आशातीत प्रगति होगी, उन्नति आएगी और हम आत्मनिर्भर हो पाने के दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।